हेलो गाइस, एनिमल मूवी डे 5 ऑफिशियली एंड वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ गया है और एक बार फिर से मूवी ने मंगलवार को भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है और मूवी ने अपने पांचवे दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा का कलेक्शन किया है। एनिमल मूवी लगातार बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है, यही कारण है कि मूवी ने टाइगर 3 मूवी के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को मात्र 5 दिनों में ही पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए जानते हैं एनिमल मूवी ने अपने शुरुआती 5 दिनों में कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। सबसे पहले बात करते हैं मूवी के डे 5 के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के बारे में। तो एनिमल मूवी ने अपने पांचवे दिन 10 करोड़ 22 लाख रुपीज की एडवांस बुकिंग की थी। वहीं पर अगर मूवी के तमिल, तेलुगु, हिंदी बेल्ट के नेट कलेक्शन की बात करें तो मूवी के अगर डे 5 के तमिल के नेट कलेक्शन की बात करें तो मूवी की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 17%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 14%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी 21% और नाइट ऑक्यूपेंसी 23% की रही थी। इन सभी ऑक्यूपेंसी के चलते एनिमल मूवी ने अपने डे 5 पर तमिल से 27 लाख रुपीज का नेट कलेक्शन किया था। वहीं पर अगर मूवी के डे 5 के तेलुगु नेट कलेक्शन की बात करें तो मूवी की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 22%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 31%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी 30% और नाइट ऑक्यूपेंसी 37% की रही थी। इन सभी ऑक्यूपेंसी के चलते एनिमल मूवी ने अपने डे 5 पर तेलुगु से 3 करोड़ 10 लाख रुपीज का नेट कलेक्शन किया था। वहीं पर अगर मूवी के डे 5 के हिंदी बेल्ट के नेट कलेक्शन की बात करें तो मूवी की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 26%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 37%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी 45% और नाइट ऑक्यूपेंसी 62% की रही थी। इन सभी ऑक्यूपेंसी के चलते एनिमल मूवी ने अपने डे 5 पर हिंदी बेल्ट से 34 करोड़ 2 लाख रुपीज का नेट कलेक्शन किया था। तो चलिए अब बात करते हैं मूवी के डे 5 के ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो मूवी अपने डे 5 पर इंडिया से जो टोटल नेट कलेक्शन किया था वो 37 करोड़ 47 लाख रुपीस का रहा था। वहीं पर अगर मूवी के डे 5 के इंडिया के टोटल ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने 6 करोड़ 70 लाख रुपीस का इंडिया से ग्रॉस कलेक्शन किया है। मूवी के अगर डे 5 के ओवरसीज टोटल कलेक्शन की बात करें यानी इंडिया के बाहर, तो मूवी ने 11 करोड़ 60 लाख रुपीस का ओवरसीज कलेक्शन किया है। और इसी के साथ एनिमल मूवी का जो डे 5 का वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो 55 करोड़ 77 लाख रुपीस का रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं एनिमल मूवी के शुरुआती 5 दिनों के इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो मूवी ने शुरुआती 5 दिनों में इंडिया से जो टोटल नेट कलेक्शन किया है वो 282 करोड़ 96 लाख रुपीस का रहा है। वहीं पर अगर मूवी के शुरुआती 5 दिनों के इंडिया के टोटल ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने 54 करोड़ 4 लाख रुपीस का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। मूवी के अगर शुरुआती 5 दिनों के ओवरसीज टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने 144 करोड़ रुपीस का ओवरसीज कलेक्शन कर लिया है। और इसी के साथ एनिमल मूवी का जो शुरुआती 5 दिनों का वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा है वो 481 करोड़ रुपीस का रहा है। और इसी के साथ एनिमल मूवी आज 500 करोड़ रुपीस के आंकड़े को भी पार कर लेगी और कल मूवी 600 करोड़ रुपीस के आंकड़े को टच करके रणबीर कपूर के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी भी बन जाएगी। चलिए अब बात करते हैं एनिमल मूवी के डे 6 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो मूवी के अगर एडवांस बुकिंग रिपोर्ट की बात करें तो मूवी ने अपने डे 6 पर 8 करोड़ 89 लाख रुपीज की एडवांस बुकिंग की है। वहीं पर अगर मूवी के डे 6 के इंडिया के टोटल नेट कलेक्शन की बात करें तो मूवी आज 35 करोड़ रुपीज का नेट कलेक्शन कर रही है। वहीं पर अगर मूवी के डे 6 के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो एनिमल मूवी आज वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 53 करोड़ रुपीज का कलेक्शन कर रही है। और इसी के साथ एनिमल मूवी का जो शुरुआती 6 दिनों का इंडिया का टोटल नेट कलेक्शन रहेगा वो 317 करोड़ रुपीज के आंकड़े को पार कर चुका होगा। वहीं पर अगर मूवी के 6 दिनों के वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो मूवी 534 करोड़ रुपीज के आंकड़े को पार कर चुकी होगी। अगर आपने एनिमल मूवी को देख लिया है तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।